एक औरत के लिए अपने 12 दिन के बच्चे को छोड़कर वर्किंग कमिटमेंट के चलते काम पर वापस लौटना आसान नहीं रहा होगा। और ये बात वो माएं तो जरूर समझती होंगी जो कि खुद वर्किंग मॉम्स हैं। और अब काफी सारी चीजों का सामना भारती सिंह को भी करना पड़ रहा है। जी हाँ, भारती सिंह एक ऐसी माँ है जिन्होंने हाल फिलहाल एक बेबी बॉय को जन्म दिया और उन्हें भी समाज की दकियानूसी सोच से रूबरू होना पड़ रहा है। लोग समझते नहीं हैं कि वर्किंग कमिटमेंट के चलते काम पर लौटना पड़ा और उन्हें इसी बात के चलते अब ताने सुनने पड़ रहे हैं। जी हाँ, एक आम औरत की तरह भारती सिंह को भी इन सब चीजों से जूझना पड़ रहा है। हाल ही के अपने एक मीडिया इंटरव्यू में इन सब पर खुलकर बात की है भारती सिंह ने और बताया है कि किस तरह से लोग उन्हें जज करते हुए कहते हैं कि इतनी भी पैसों की क्या जरूरत कि छोटे से बच्चे को छोड़कर काम पर आ गई। जिसके बाद भारती सिंह कहती हैं कि जब वो कई बार ट्रेवल कर रही होती हैं तो अपने आसपास देखती हैं कि कुछ गरीब औरतें होती हैं जो कि काम कर रही होती हैं, तो वो कोई राजकुमारी तो नहीं है कि घर पर बैठे, और वो अपने शौक से नहीं बल्कि अपने वर्किंग कमिटमेंट के चलते काम पर लौटी हैं। और सिर्फ एक इंसान से ही पूरा सेटअप नहीं चलता है बल्कि काफी सारे लोग जुड़े होते हैं एक प्रोजेक्ट से जिनका घर और चूल्हा चलता है। वहीं भारती ने यह भी बताया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं बहुत से लोग पीठ पीछे सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। आगे भारती कहती हैं कि इस तरह की नेगेटिव कमेंट्स को वो अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देती और अगर वो इन नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देती तो उनके लिए प्रेगनेंसी के 9 महीने बेहद ही मुश्किल हो जाते। भारती सिंह ने ये सारी बातें अपने हालिया इंटरव्यू में कही हैं और बताया है कि उन्हें भी नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के घर नन्हा मेहमान आया है और अपने नन्हे मेहमान की पूरी तैयारी करने के बाद ही भारती सिंह काम पर लौटती हैं। उन्होंने बताया कि उनके पीछे घर में पूरा परिवार है, दादी है, नानी है जो कि उनके बच्चे की देखभाल कर रही हैं और वो अपने बच्चे के लिए मिल्क प्रिजर्व करके आती हैं और उनका बेबी पूरे दिन वही प्रिजर्व मिल्क पीता है और यही वजह है कि वो बिना किसी प्रेशर के काम पर लौट आई हैं। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे भारती की इन बातों पर, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।